केजरीवाल को जमानत मिलते ही ईडी ने खेला नया दांव, कोर्ट में पेश की सप्लीमेंट्री चार्जशीट। आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून के लिए अंतरिम जमानत दे दी। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा दांव खेला है। ईडी ने दिल्ली शराब नीति घोटाले में 224 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट राउज एजेंसी कोर्ट में दाखिल की है। जानकारी के मुताबिक ईडी के वकीलों द्वारा जमा कराई गई चार्जशीट को कोर्ट की ओर से रिसीव भी कर लिया गया है। अब यह कॉपी डिस्ट्रिक्ट जज समक्ष पेश की जाएगी। इस मामले में 13 मई को कोर्ट सुनवाई करेगा। इस शर्त पर कोर्ट ने दी है जमानत। बता दें कि आप सुप्रीमो को यह जमानत लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए मिली है। जब इस मामले की पिछली सुनवाई हुई थी उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव 5 साल में आते हैं और यह असाधारण परिस्थिति। अदालत ने शुक्रवार को शर्त के आधार पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है। कोर्ट ने कहा है कि हमारी शर्त यह है कि वह सरकार के काम में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ना ही कोई आधिकारिक कार्यक्रम करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर से हितों की टकराव होगा। जमानत के पक्ष में कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस निम्पांकर दत्ता ने जमानत के पक्ष में कहा कि अरविंद केजरीवाल कोई अदालत अपराधी नहीं और यह एक अभूतपूर्व परिस्थिति है। लोकसभा का चुनाव चल रहा है। अगर केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए सीएम हैं, अगर चुनाव नहीं चल रहा होता तो अंतरिम जमानत देने का सवाल ही नहीं उठता। आपको क्या लगता है? अपना कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।